नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए महाभारत के कुछ रहस्य। वैसे तो महाभारत की कहानी हर घर में पढ़ी जाती है। ये ऐसा ग्रंथ है जो वेद व्यास जी ने लिखा था, जिस ग्रंथ के अंदर उन्होंने सारे शास्त्रियों के बारे में भी लिखा है, क्या चिकित्सक है, क्या ज्ञान है, बौद्धिक क्या है और क्या योद्धा थे। इस महाकाव्य में वेद व्यास जी ने बताया है कि जिस ग्रंथ में हमें महाकाव्य के बारे में पढ़ाया जाता है, घर के ही परिवार के सदस्य आपके ही शत्रु बन जाते हैं। इस महाभारत में हमें घर घर में सारी जानकारी मिल जाती है। वैसे तो आजकल टीवी के द्वारा हमें सारी जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो महाभारत में नहीं बताई गई हैं, महाकाव्य में लिखा गया है। इसे पंचवेद भी कहा जाता है क्योंकि पंचवेद में भी शामिल है। तो जानिए क्या थे वे रहस्य। नंबर एक, कालीन टेक्नोलॉजी। हम सभी जानते हैं जो टेक्नोलॉजी अभी है वह पहले थी या नहीं। वैसे महाभारत में हमें महाकाव्य में पढ़ने को मिला है कि जो टेक्नोलॉजी अभी हमने देखी भी नहीं है वह टेक्नोलॉजी महाभारत में पहले ही देखने को मिल चुकी है। बिजली का कड़कना, आकाश में तेज बिजली का आना और सितारों का इधर से उधर जाना, ये सारी टेक्नोलॉजी पहले से ही है। ये तो अभी ज्ञान वैज्ञानिक ने बताए हैं, लेकिन यह टेक्नोलॉजी हमें पहले से ही महाभारत के काव्य में पता चल चुकी है। जिसने भी महाकाव्य पढ़ा है उसे इस बात का ज्ञान होगा, लेकिन जिसने महाकाव्य पढ़ा ही नहीं है उसे इस बात की जानकारी कम होगी। क्योंकि हिंदू धर्म में महाकाव्य बहुत कम लोग पढ़ते हैं और जो भी ग्रंथ को पढ़ते हैं उन्हें आधे से ज्यादा अपने शास्त्र और संस्कृत के बारे में और परंपराओं के बारे में पता होता है। नंबर दो, धृष्टराष्ट्र के थे 100 पुत्र, लेकिन 100 पुत्र जिन्हें कौरव कहा जाता था वह कुरु वंश में हुए थे, इसलिए उन्हें कौरव कहा जाता था। कहा जाता है कि धृष्टराष्ट्र अंधे थे और उनकी पत्नी ने उन्हें ही देखकर अपनी आंखों पर भी खुद ही, मतलब कि गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी खुद ही बांध ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था जब उनके पति इस संसार को नहीं देख सकते तो वह संसार को देखकर क्या करेंगे। लेकिन उनके 99 पुत्र किसी आशीर्वाद के कारण हुए थे। यह गंधारी के 99 पुत्र और एक बेटी थी जो कि एक आशीर्वाद के दौरान उन्हें मिली थी। उन्हें बताया गया था कि आप अपने घर पे एक यज्ञ करें जिससे आपको 99 बेटों की प्राप्ति हो गई और वह 99 पुत्र ही उनके साहसी यानी कि उनके बलपूर्वक होंगे। नंबर तीन, महाभारत के काव्य में लिखा हुआ है कि पहले कभी कोई राशि नहीं थी, लेकिन इस काल में हमने देखा है कि राशियों के अनुसार ही इंसान का भविष्य बताया जाता है। ये राशियां लोगों ने बनाई हैं चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण से। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और उस अक्ष के घूमने पर हमारे ग्रह में बदलाव आते हैं, उस बदलाव से हमारी जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखकर यह 12 राशियां बनाई। नंबर चार, वैसे तो महाभारत का युद्ध सबसे प्रथम युद्ध माना जाता है क्योंकि वह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें विदेशी भी शामिल थे। ग्रीक, अमेरिका और रोमन के भारी विदेशी जो लोग थे वह इस युद्ध में शामिल थे। वैसे तो महाकाव्य में बताया गया है लेकिन किसी को भी यह ज्ञात नहीं है। आपने टेलीविजन पर भी देखा होगा कि महाभारत में युद्ध तो दिखाया है लेकिन विदेशी भी इस युद्ध में शामिल थे यह हमें नहीं पता, लेकिन महाकाव्य में यह बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय विदेशी भी उस युद्ध में शामिल थे। नंबर पाँच, वेद व्यास कोई नाम नहीं था। यह उन लोगों को उपाधि दी जाती है जिन लोगों को वेदों का ज्ञान होता है। तो जिन लोगों के पास वेदों का ज्ञान होता है उन्हें ही वेद व्यास कहा जाता है। वैसे कहा गया है कि हमारे देश में 27 वेद हैं, लेकिन 28वें वेद कृष्ण को माना जाता है क्योंकि वह सांवले हैं और जिस नक्ष में वह पैदा हुए थे उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। नंबर छः, अभिमन्यु की हत्या। वैसे तो कहा गया है कि अभिमन्यु को 7 चक्रव्यूह में फंसा कर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन ये गलत है। जब अभिमन्यु युद्ध लड़ाई कर रहे थे तो उस समय 7 चक्रव्यूह थे, उसमें से उन्होंने एक को मार दिया था और एक को मारने के बाद दुशासन का बेटा बहुत ज़्यादा क्रोधी हुआ, जिस क्रोध के कारण उसने अभिमन्यु की हत्या कर दी। वैसे तो अभिमन्यु की हत्या का रहस्य महाकाव्य में बिल्कुल साधारण रूप से बताया गया है। वैसे सभी जानते हैं कि अभिमन्यु बहुत अच्छे योद्धा भी थे और साहसी भी थे, और तो आप कैसे मान सकते हैं कि वह एक प्रतियोगी यानी कि चक्रव्यूह में फंसकर ही उनकी हत्या हो गई। अभिमन्यु की हत्या दुशासन के ही बेटे ने की थी, वो भी अपने क्रोध के कारण। उस चक्रव्यूह में से अभिमन्यु ने एक को मार दिया था, इस कारण से अभिमन्यु की हत्या हुई। तो ये थे वह रहस्य जो महाभारत के काव्य में ही लिखे गए हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।